अव्यव्यवस्था की पुस्तक। अव्यव्यवस्था की पुस्तक सिनाई पर्वत पर स्थापित ईश्वरीय मानवीय संबंधों के बारे में विस्तार से बताती है। अव्यव्यवस्था की पुस्तक बताती है कि इंसान पापी और अशुद्ध है। हम पाप और अशुद्धता से कैसे निपटे ताकि पवित्र यहोवा अपने लोगों के बीच निवास कर सकें। हमने इस पुस्तक को 10 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है। 1. 5 प्रमुख भेंटें। लव्य व्यवस्था अध्याय 1। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलवाकर उससे कहा, इसराइलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और वह अपना हाथ होमबलि के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होमबलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़े को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरे, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होमबलि यहोवा के लिए सुगंधदायक सुखदायक हवन ठहरे, और यदि वह भेड़ों व बकरों का होमबलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी की उत्तर वाली अलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होमबलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उनका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लोहू उस वेदी की अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझर मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होमबलि और यहोवा के लिए सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 2। अन्नबलि की विधि। और जब कोई यहोवा के लिए अन्नबलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंधित हवन ठहरे, और अन्नबलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी, और जब तक तू अन्नबलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों व तेल से छुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो, और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो
तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो, उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्नबलि हो और वह मैदे से तेल में बनाया जाए, और जो अन्नबलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्नबलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे, और अन्नबलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। कोई अन्नबलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना, तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुगंधदायक सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्नबलि को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से सहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्नबलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्नबलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बाले अर्थात हरी हरी बालों को मींच के निकाल देना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्नबलि हो जाएगा। और याजक मींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। लव्य व्यवस्था अध्याय 3। मेलबलि की विधि। और यदि उसका चढ़ावा मेलबलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह मेलबलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लटकी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होमबलि के ऊपर जलाए जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि वह यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला सुखदायक हवन ठहरे। और यदि यहोवा के मेलबलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और मेलबलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूछ को वह रीढ़ के आगे से अलग करे, और जिस चर्बी से हथड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह हवन करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए, यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए और अपना हाथ उसके सिर पर रखे,
और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लोहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अतड़िया ढपी रहती है और जो चर्बी उसमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुगंधदायक सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। वह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लोहू कभी न खाओ। लव्य व्यवस्था अध्याय 4। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबोकर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जिस चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, और उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़िया, गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए, जहां राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। और यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरते हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे, और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबोकर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सिंगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होमबलि की वेदी के पाय पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर वेदी पर जलाए, और जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसे ही इससे भी करे। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा, और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर
उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। वह तो मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होमबलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह तो पाप बलि ठहरेगा और याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसका लहू होमबलि की वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी कुल चर्बी को मेलबलि की चर्बी की नाई वेदी पर जलाए और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होमबलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लोहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लोहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी की नाई अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। और यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए, तो वह निर्दोष मादा हो और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु बलिदान किया जाता है। और आज याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी की नाई अलग करे और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 5 दोष बलि की विधि। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेल पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचार शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा और जब वह इन बातों में से किसी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। और यदि उसे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो, तो अपने पाप के कारण दो पंडुकी व
कबूतरी के दो बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए, उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए, और वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग न करे, और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा, और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे और तब वह क्षमा किया जाएगा। और यदि वह दो पंडुकी व कबूतरी के दो बच्चे भी न दे सके तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का दसवां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए ले आए, उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे अथवा याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष किनाई याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए ले आए, उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए, और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा, इसलिए वह एक निर्दोष मेंढा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में किया प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा, यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धनोहर व लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो सब जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटी व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी।